इसराइल से मंडराते खतरे के बीच ईरान ने भी एक के बाद एक 16 मिसाइलें दागकर अपने जंगी इरादे साफ कर दिए हैं। वैसे तो ये ईरान की रूटीन ड्रिल थी, लेकिन उसने इसी बहाने नफ्ताली बेनेट सरकार को बता दिया कि अब किसी भी हिमाकत पर वो करारा जवाब देगा। इसराइल को खुली चुनौती देते हुए ईरानी सेना ने बुशहर, होर्मजगान और खुजिस्तान प्रांत में 5 दिन का वार ड्रिल किया। इस दौरान 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइलों के प्रदर्शन के साथ घातक ड्रोन विमानों से भी लक्ष्य को साधने का परीक्षण किया गया। यूक्रेन को लेकर रूस की नियत पर अमेरिका ने सवाल खड़े किए हैं। दावा है कि सुरक्षा गारंटी पर बातचीत का दबाव बना रहा रूस यूक्रेन की उत्तरी सीमा के करीब मजबूत सैन्य ढांचा बनाया है। ये दावा अमेरिका की एक निजी सैटेलाइट कंपनी की तस्वीरों से किया गया है। और यूक्रेन के बीच जंग कभी भी छिड़ सकता है, लिहाजा यूक्रेनी सेना अमेरिकी जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलों के इस्तेमाल को और अटैकिंग बनाने में जुटी है। इससे पहले 2014 में जंग के दौरान डोनबास क्षेत्र में इस हथियार ने रूस के खिलाफ कहर बरपाया था। सऊदी अरब और हुती विद्रोहियों के बीच जंग लगातार बढ़ रही है। सीमावर्ती शहर जिनान में शुक्रवार देर रात यमन के विद्रोहियों ने फिर हमला किया। मिसाइल से अचानक हुए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हुए। सऊदी अरब भी आक्रामक नजर आ रहा है। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी गठबंधन सेना का भी स्ट्राइक जारी है। यमन शहर अल महवत में विद्रोहियों को निशाना बनाकर किए गए हमले में एक युवक और उसके बच्चे की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। ताइवान और जापान ने मिलकर चीन को हर मोर्चे पर कड़ी चुनौती देने की योजना बनाई है। दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोगों को ज्यादा मजबूत करने पर सहमति बनी है। LDP बैठक में दोनों ने चीन के खिलाफ सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी सहमति दिखाई।